जय श्री कृष्ण। वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे बिना फर्मेंटेशन के ही बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली, और साथ में ये बनाएंगे पीनट चटनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम एक बाउल में एक कप उड़द दाल डालेंगे। अब हम इसे पानी से अच्छे से धो लेंगे। उड़द दाल अच्छे से साफ हो गई है। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें 3 कप इडली रवा डालेंगे। अब हम इसे भी 2-3 बार पानी डाल के अच्छे से धो लेंगे। रवा भी अच्छे से साफ हो गया है। अभी हमने रवे में भी पानी डाल दिया है। अब हम इसे भी 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। पीनट की चटनी बनाने के लिए हम एक मिक्सी के जार में 1 कप रोस्टेड पीनट डालेंगे, 1/4 कप फ्रेश कोकोनट डालेंगे, 5 सूखी लाल मिर्च और 5 लहसुन की कलियां डालेंगे, 1 छोटा टुकड़ा इमली का डाल देंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डाल के हमारी स्मूथ चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारी पीनट की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम चटनी के लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़का थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप इसे स्किप किए बिना जरूर देखें। चटनी में तड़का लगाने के लिए मैंने गैस पर एक छोटा सा पैन रखा है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सरसों डालेंगे, 1/2 टीस्पून उड़द दाल डालेंगे। सरसों और उड़द दाल को दोनों को अच्छे से तड़कने देंगे। ये दोनों भी अच्छे से तड़क गए हैं। तो अब हम इसमें 1 सूखी लाल मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें 4-5 करी लीफ डाल देंगे। साथ में ही हम एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डालेंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये डालने के बाद चटनी का टेस्ट है वो चटपटा आता है। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा चटनी का तड़का है वो परफेक्ट तैयार है। अब हम इसे चटनी के ऊपर डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। 5 घंटे हो गए हैं, हमारी दाल है वो अच्छे से भीग गई है। अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसे पीस लेंगे। हमारी दाल परफेक्ट पीस कर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक पतीले में ट्रांसफर कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पर इडली रवा भी भिगो के रखा था, वो भी अभी अच्छे से भीग गया है। अब हम पहले इसका एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल लेंगे। अब हम ये इडली रवा में से हाथों से दबा के इसका एक्स्ट्रा पानी है उसे निकालते जाएंगे, और इसे हम हमारी पिसी हुई दाल में डाल देंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा ये परफेक्ट फ्लफी बैटर बनकर तैयार है। हमें इसमें कुछ भी बेकिंग सोडा या इनो भी डालने की जरूरत नहीं है। अभी हमने यहाँ पर ये इडली का स्टैंड लिया हुआ है। अब हम इसके अंदर हमारा इडली का बैटर है उसे पोर कर देंगे। हमने इसे पहले ही तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है।
हमने इडली स्टैंड को अच्छे से पोर कर लिया है, अब हम इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। अब हम इसे ढक देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 15 टू 20 मिनट्स तक स्टीम होने देंगे। 20 मिनट्स हो गए हैं, हमारी इडली अच्छे से स्टीम हो गई है, तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसे इडली स्टैंड में से निकाल लेंगे। अब हम इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे।